लेट्स डू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, या समरी लिखने के लिए आ जाए, तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है। ये क्वेश्चन है वो कई बार 2 मार्क्स में आता है, सेंट्रल आइडिया, तो ये ऊपर वाला स्टैंजा आपने लिख देना है जैसा हमने पहले किया है, और कई बार ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है, तो फिर आपने पूरा क्वेश्चन लर्न करना है। तो आंसर रहेगा इसका कीपिंग क्वाइट इज एन एंटी वॉर पोएम। कीपिंग क्वाइट है वो एक एंटी वॉर यानी कि युद्ध के खिलाफ लिखी गई पोएम है, रिटन बाय पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम इज ए नोबल वर्च्यू। इस पोएम के अंदर है वो कवि कहना चाहता है कि थोड़े समय के लिए शांत होना एक बड़ा ही अच्छा गुण होता है। वी मस्ट अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव इन अवर लाइफ, हमें जीवन के अंदर वो लक्ष्य हासिल करना चाहिए जिसके लिए जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए कि इफ वी आर ऑन दी राइट पाथ और ऑन दी रॉन्ग पाथ, कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं। दी टाइटल ऑफ दी पोएम सजेस्ट दैट कीपिंग क्वाइट हैज इट्स ओन वैल्यू। इस पोएम का टाइटल ये हमें कहता है कि थोड़े समय के लिए शांत होना उसका अपना ही महत्व होता है, बट इट डज नॉट मीन ए लाइफ ऑफ टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम हर प्रकार की एक्टिविटी को रोक दें। द पोएट सेज दैट मोस्ट ऑफ द मेंस एक्टिविटीज आर डिस्ट्रक्टिव, कवि कहना चाहता है कि इस संसार के अंदर ज्यादातर आदमी की जो क्रियाएं होती हैं वो विनाशकारी होती हैं, दे क्रिएट वॉर एंड वॉयलेंस, उससे युद्ध को बढ़ावा मिलता है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, एंड क्रुएलिटी टू एनिमल्स, या आदमी है वो जानवरों के ऊपर अत्याचार करता है ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर। सो द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड ऑल सस्पेंड अवर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपनी सारी की सारी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो विनाशकारी क्रियाएं हैं, वो रोकनी चाहिए। एंड स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब हमें चुपचाप शांत होकर देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, वी मस्ट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हमें कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए। एंड स्टैंड मोशनलेस विदाउट मूविंग अवर आर्म्स, और बिल्कुल अपने हाथों को बिना हिलाए डुलाए हमें अपने सभी कामों को रोक देना चाहिए। द पोएट सेज दैट इफ इट हैपन्स इट विल बी एन अनयूजुअल मोमेंट इन अवर हिस्ट्री, कवि ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ये हमारी इतिहास के अंदर है वो एक अनयूजुअल, एस माने बात होगी, वो एक विशेष प्रकार का क्षण होगा, समय होगा। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, जब पूरे संसार के लोग अपने सभी कामों को एक समय के ऊपर है वो रोक देंगे। देन द फिशरमैन वुड नॉट किल व्हेल्स इन द सी, उस वक्त जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है वो समुद्र के अंदर है वो व्हेल्स को नहीं मारेगा। द साल्ट गैदरर वुड नॉट गैदर मोर एंड मोर साल्ट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, और जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा नमक इकट्ठा नहीं करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ही वुड स्पेयर सम टाइम टू लुक एट हिज ब्लीडिंग हैंड्स, और वो थोड़ा समय बचाएगा ताकि वो अपने ब्लीडिंग हैंड्स, खून निकलते हुए हाथों को देख सके कि उनमें से अब खून निकल चुका है। द वॉर इंडस्ट्री विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डेडली वेपन्स दैट किल पीपल, और जो फैक्ट्रियां हैं जिनके अंदर वो हथियार बनते हैं जिसके कारण इंसान है वो इंसान को ही मार देता है, उनको भी अपनी प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को रोकना होगा। इंस्टेड द पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट क्लॉथ, कवि चाहता है कि इसके बदले में लोगों को अपने अच्छे क्लॉथ पहन करके बाहर आना चाहिए, टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, ताकि उनका जो मनमुटाव है उनके अंदर वो उसको भूल सकें। दे वुड वॉक हैंड इन हैंड विद देयर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज, वो क्या है कि हाथों में हाथ डाल करके अपने भाइयों का हाथ पकड़ करके छायादार पेड़ों के नीचे हैं वो आए। देन द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी, उसके बाद कवि ये कहता है कि वो केवल टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता, अवर एक्शन मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, हमारे एक्शन है वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, वो निर्माणकारी होने चाहिए, नॉट डिस्ट्रक्टिव, वो विनाशकारी नहीं होने चाहिए। सो द पीपल शुड एनालाइज देयर एक्शंस, लोगों को अपने एक्शंस को एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। तो दिस इज योर पोएम कीपिंग क्वाइट, वी हैव डन एवरीथिंग, यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक एंड देन यू हैव टू लर्न इट। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर डीप वॉटर। टिल देन गुड बाय।